Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज अगेन मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस वर्कशीट आइडियाज शेयर करूंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए होगी. तो जब भी मैं डेली प्रैक्टिस वर्कशीट का वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे कई बार मदर्स की रिक्वेस्ट आती है कि टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की, स्पेशली जब भी मैं कोई ब्रेन टीजर एक्टिविटीज शेयर करती हूँ. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको हमारी वर्कशीट्स जो हैं वो समझ आ जाती हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जो जिन्हें मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये ज्यादा लेंथी भी ना हो और आपके लिए हेल्पफुल भी हो. तो जिस तरीके से भी आपको वीडियोस बेटर लगती हैं, लाइक आपको जस्ट ओवरव्यू ही दूं कि मैं क्या क्या चीजें उसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी ताकि आपको आइडियाज मिल जाएं, या फिर इन डेप्थ में जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उन्हें एक्सप्लेन भी करूं. तो जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. जैसे चिया को नंबर वर्ड्स तो आते हैं, बट कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए रैंडमली यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए थे जिनके नंबर वर्ड्स चिया को यहाँ पे लिखने थे. तो नेक्स्ट मैंने चिया को 10 का टेबल लिखने के लिए दिया था. तो चिया को टेबल यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर में भी लिखने के लिए कहा था, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज भी करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा. तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप टेबल्स बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उन्हें रिवर्स ऑर्डर में भी टेबल लिखने के लिए दीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज भी करते हैं तब भी आंसर जो है वो सेम ही रहेगा. तो इसके नीचे अगेन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक्टिविटी बना के दी थी मैंने. नेक्स्ट आई आस्क्ड हर टू राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. बिलो दिस आई आस्क्ड हर टू गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच. 3 मैंने उसे कॉमन नाउन के लिए कहा था और 3 प्रॉपर नाउन के लिए कहा था एग्जांपल्स लिखने की. तो उस दिन हम लोगों ने जस्ट उतनी ही वर्कशीट प्रैक्टिस की थी. और नेक्स्ट डे चिया को मैंने, जैसे लास्ट डे मैंने नंबर वर्ड्स लिखने के लिए दिया था, नेक्स्ट डे मैंने चिया को यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स लिखने के लिए दे दिए थे फ्रॉम फर्स्ट टिल 10th. नेक्स्ट उसे मैंने कुछ यहाँ पे इक्वेशंस दे दी थी बैलेंस करने के लिए. तो इक्वेशन बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी हम लोग काफी टाइम से करते आए हैं जिया के साथ. और जैसा आप मुझे बार बार पूछते हैं कि जिया मैथ की कैलकुलेशन करने में इतनी क्विक कैसे है, तो ऐसी ही कुछ वर्कशीट्स हैं जो मैं उसे एवरी डे देती हूँ ताकि उसकी जो मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन वगैरह के वो अच्छे से क्लियर हो जाए. तो पहले मैं जस्ट उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही इक्वेशंस देती थी, बट अभी जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो मैं कुछ एक इक्वेशंस जो है वो मल्टीप्लीकेशन की भी डाल देती हूँ. बिलो दिस वी हैव सर्कल द प्रॉपर नाउन्स. तो जैसे इस पूरे ही वीक हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. तो अगर आपने अभी तक नाउन्स का वीडियो नहीं चेक किया है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो. तो इसमें आपको करना क्या है कि आप रैंडमली कुछ कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स जो है यहाँ पे लिख दीजिए और बच्चे को फिर कहिए कि जैसे इस केस में मैंने प्रॉपर नाउन फाइंड करने के लिए कहा था, नेक्स्ट डे आप कॉमन नाउन के लिए भी सेम एक्टिविटी जो है वो करने के लिए दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव राइट 6 शेप नेम्स. तो अभी यहाँ पे मैंने जो बेसिक शेप्स होती हैं इनके स्पेलिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अभी चिया जैसे आप देख सकते हैं कि उसने काफ़ी मिस्टेक की हैं तो वो भूल गई है. तो जस्ट इनकी रिवीजन के लिए मैंने चिया को शेप नेम्स दिए थे. तो अगेन यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस बना दी थी और एक नंबर मिसिंग था, तो बच्चे को वही नंबर जो है वो फाइंड करना है. तो हो सकता है कि आपको कुछ एक्टिविटीज इसमें रिपीटेड मिले लाइक दिस वन. तो मैं आपसे भी यही चीज कहती हूँ कि ऐसी वाली जो मैथ की एक्टिविटी होती हैं आपको एक या दो वर्कशीट एवरीडे बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि एवरीडे प्रैक्टिस से ही बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा और वो कैलकुलेशन जो है वो फास्टर वे में कर पाएंगे. इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है. तो मेक श्योर कि एवरीडे आप एटलीस्ट एक वर्कशीट जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविजन के लिए बच्चे को पक्का दीजिए. जैसे जो भी बच्चे का भी लर्निंग का लेवल है अकॉर्डिंगली मैथ के लिए कुछ ऐसी वर्कशीट आपको एवरीडे बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी ही है. तो हिंदी में हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो अभी जस्ट वो बेसिक स्वर है हिंदी के मैं वही जिया के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अगर एवरीडे पॉसिबल नहीं है तो 2 times or 3 times इन अ वीक जिया को हिंदी लेटर की प्रैक्टिस करने के लिए दूं. और इसके नीचे वी हैव बैकवर्ड काउंटिंग. तो अगेन जैसा आप देख सकते हैं कि मैथ की ऐसी वाली एक्टिविटीज मैं बहुत ज्यादा इंक्लूड करती हूँ. तो यहाँ पे सिंपल बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. मैंने मोस्टली नंबर जो लिखे थे बस 2 या 3 नंबर कहीं पे मिसिंग थे, तो जिया को वही नंबर फिल करने थे. सो दिस वॉज द लास्ट एक्टिविटी शीट फॉर टूडेज डेली प्रैक्टिस वीडियो. तो आई होप आज के वीडियो से भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो. और जैसा मैंने वीडियो के बिगनिंग में कहा था, प्लीज डू शेयर योर फीडबैक ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियोज जो हैं उन्हें प्लान करने में थोड़ी हेल्प मिल सके. तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी, देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ.